गुड मॉर्निंग बेटा बेटा आज हम स्टार्ट uh, करेंगे अपनी सेकेंड बुक सप्लीमेंट्री स्नैप शॉट का फर्स्ट चैप्टर ठीक है यू आर ऑब्जर्विंग ऑन द स्क्रीन द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स द नेम ऑफ द चैप्टर इज दिस वन एंड वट इज गिवन इन दिस वन दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ लिटिल बिट रिगार्डिंग द स्टोरी दैन टाइटल वाई दिस टाइटल इज गिवन टू दिस चैप्टर दैन थीम ओके

Summer season is highlighted in this chapter, the time period which is given in this chapter that is of summer. Beside that, in this chapter, there is a description regarding beautiful white horse. Two boys, two main characters of this chapter, they enjoyed horse riding in this chapter and horse riding on beautiful white horse. ठीक है हॉर्स राइडिंग भी किस पे करते हैं वो वाइट हॉर्स पे दैट्स वाई द टाइटल इज गिवन समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स ओके नाउ लिसन आगे हम बात करें अबाउट द स्टोरी व्हाट इज गिवन इन दिस वन अब मैंने टू बॉयज़ वाली बात बोली तो आप अब देखिए टू बॉयज़ वो हैं कौन इट इज़ अ स्टोरी अबाउट टू अर्मेनियन बॉयज़ बॉयज हु बिलोंग टू अर्मेनिया जो जहाँ कहाँ से बिलोंग करते थे अर्मानिया से मतलब नेम ऑफ़ द कंट्री अरमानिया एंड द दिस इज़ द नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड ये आपका कैसा वर्ड हो गया बेटा नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड जो नेशनलिटी को एक्सप्रेस जैसे इंडिया का रहने वाला लोग क्या लोग क्या लोगों लो को क्या बोलेंगे इंडियन बोलेंगे इंग्लैंड के रहने वालों को क्या बोलेंगे इंग्लिश बोलेंगे रशिया के रहने वालों को क्या बोलेंगे रशियन बोलेंगे अर्मेनिया वालों को क्या बोलेंगे अर्मेनियन तो ये स्टोरी है दो लड़कों की जो अर्मानिया से बिलोंग करते हैं और जो बिलोंग करते हैं एक ऐसी ट्राइब से हुज होल मार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी जिसके होल मार्क्स ये इकट्ठा आएगा बेटा वर्ड जिसके होल मार्क्स होल मार्क्स आप कहें जिसका की भी फेमस क्वालिटी जो है ठीक है जो फेमस है फेमस फोर वो किस चीज़ के लिए फेमस हैं उनकी क्वालिटी मेन क्या है दोज आर फेमस फॉर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी ओनेस्टी ट्रस्ट मीन्स दे डोंट टेल अ लाई कभी झूठ नहीं बोलते बिसाइड दैट दे आर वेरी ऑनेस्ट दे डोंट चीट एनी वन किसी को चीट नहीं करते हु जिस ट्राइब से ये बॉयज़ बिलोंग करते हैं उस ट्राइब की कैरेक्टरिस्टिक का कर बिटाइन इट रिलेट्स द एडवेंचर ऑफ दीज टू बॉयज ये स्टोरी हाईलाइट करती हैं उन दोनों लड़कों के एडवेंचर को एडवेंचर हाउ वाइट इज बिकॉज दे आर इंजॉइंग द हॉर्स राइडिंग सो इट्स एडवेंचर फॉर दैम एडवेंचर का मीनिंग क्या होता है रेयर एक्सपीरियंस रेयर रेयर एक्सपीरियंस एंड एंजॉयल एक्सपीरियंस है जिसे हम बोले अच्छा एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे उनके एडवेंचर को हाईलाइट किया गया हुईंग देंस ऑफ मॉरलिटी इन देयर इनोसेंट वे जो वहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दे हाईलाइट द मॉरलिटी इन देयर इनोसेंट वे दे क्रिएटेड देयर ऑन डेफिनेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज उन्होंने अपनी खुद की ना मोरल वैल्यूज की डेफिनेशन बना ली हाउ इट इज़ वेन वी विल रीड आउट ऑफ द चैप्टर आई विल टेल यू इन डिटेल ठीक है नाउ लिसन आई टोल्ड यू द रिगार्डिंग द टाइटल हमने ऊपर बात कर ली कि टाइटल बिल्कुल एप्ट है एप्ट का मतलब होता है करेक्ट बेटा इट फोकसिज अवर अटेंशन ऑन द डिलाइटफुल, डिलाइटफुल पीरियड ऑफ समर डिलइट फुल प्लीजेंट ठीक है प्लीजेंट टाइम पीरियड ऑफ समर वेन द टू बॉयज इंजॉयड विद हॉर्स राइड जहाँ पे जब दो लड़के दोनों लड़के क्या करते हैं हॉर्स राइडिंग एंजॉय करते हैं दैट टाइम पीरियड इज हाईलाइटेड हीयर थीम कब आते हैं थीम पे पे मोर अटेंशन हियर यहाँ ज़्यादा अटेंशन देना दिस स्टोरी ब्रिंग्स आउट अ कंट्रास्ट बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड ठीक है ओल्ड वर्ल्ड सॉरी ये वहाँ पे भी गलत था ठीक है ओल्ड वर्ल्ड एंड दोज ऑफ द न्यू वर्ल्ड ये स्टोरी यहाँ पे कंपैरिजन रिप्रेजेंट करती है ये बिटवीन है बेटा पूरा यहाँ पे आपका पिक्चर में कटा हुआ है बिटवीन है यहाँ पे टोटल आप देखेंगे ना वन मिनट दिस वन इज़ ठीक है इसके हम बात करें ये क्या है आपका बिटवीन पिक्चर में कट हो गया है बिटवीन द वैल्यू हाँ नजिबल अविजिबल है देखिए ये कंट्रास्ट रिप्रेजेंट करता है बिटवीन द वैल्यूज ऑफ ओल्ड वर्ल्ड ठीक है ओल्ड वर्ल्ड एंड दोज ऑफ न्यू वर्ल्ड कि पुराने वर्ल्ड में दिस वन इज वर्ल्ड पुराने वर्ल्ड में और नए वर्ल्ड की वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस है देखो डिफरेंस नहीं होता वो एक अपनी अपनी जो है ना थिंकिंग होती है कि भी जो ओल्ड हैं वो अपने उनकी थिंकिंग डिफरेंट है रिगार्डिंग द वर्ल्ड एक वर्ल्ड व्यू की हम बात करें किसकी बात करें वर्ल्ड व्यू कि वर्ल्ड व्यू क्या है डिफरेंट डिफरेंट है इनका वर्ल्ड इनका वर्ल्ड को देखने का नज़रिया जो है वो डिफरेंट है और जो उन uh, सॉरी जो न्यू जनरेशन है उसका वर्ल्ड व्यू जो है वो डिफरेंट है वो मॉरल वैल्यूज़ को डिफरेंट तरीके से देखते हैं ओल्ड जो है अलग से देखते हैं तो यहाँ कंट्रास्ट दिखाया गया है द राइटर वॉन्ट्स टू पॉइंट आउट राइटर यहाँ पे पॉइंट पॉइंट आउट करना चाहता है देयर माइट कम अ टाइम व्हेन द न्यू जनरेशन वुड मूव अवे फ्रॉम द चेरिस्ट एज ओल्ड वैल्यूज ऑफ देयर कम्युनिटी राइटर ये राइट नहीं है द राइटर ठीक है ये बस लिखते टाइम फ्लो में हो गया द राइटर वॉन्ट्स टू पॉइंट आउट दैट देयर माइट कम अ टाइम दिस टाइम एक ऐसा टाइम आएगा जब नई जनरेशन जो है वो पुरानी जे ओल्ड वैल्यूज़ है ना उनको क्या कर देंगी मूव अवे कर देंगी ख़त्म कर देंगी ठीक है उनकी कम्युनिटी से ये चीज़ हाईलाइट करता है कि न्यू जनरेशन ओल्ड वैल्यूज़ को क्या कर देंगी ख़त्म कर देंगी ये मेन बात है यहाँ पे हाउ इट इज़ आप थोड़ी सी बात करेंगे डिटेल में नहीं थोड़ी सी करेंगे ये कैसे होगा और कैसे नहीं क्लियर यहाँ पे ये दो वर्ड बेटा करेक्ट कर लेना दिस वन इज वर्ल्ड ठीक है ये क्या है आपका वर्ल्ड है एंड दिस वन इज़ राइटर

जो दोनों लड़के हैं ना आपका आरम और मुराद की बात करें थोड़ा बता दे तू कन्फ्यूजन थोड़ा सा माइंड में ना ये नहीं रहेगा एक क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी हाउ इट हैपन कि ये कैसे हुआ आरम एंड uh, मुराद दे बिलोंग टू दैट फैमिली दैट रेज ठीक है गैरो गैलेनियन फैमिली दैट इज़ फेमस फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट वो किसके लिए फेमस है ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए एंड दे मीन्स दे विल नॉट अ अई इस फैमिली के मेम्बर आज से नहीं बहुत साल पहले से ही फेमस है वो यहाँ पे नीयर अबाउट इलेवन हंड्रेड ईयर्स फ्रॉम द लास्ट इलेवन हंड्रेड ईयर्स दे आर फेमस फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट दे विल नॉट अ लाई एंड दे विल नॉट चीट एनी वन दे विल नॉट स्टील एनी थिंग बट आरम एंड मुराद सेट दैट नो इफ यू आर स्टीलिंग एनी थिंग फोर इन्जॉयमेंट एंड यू आर नॉट ऑफरिंग इट फॉर सेल दे इट इज नॉट कॉल स्टीलिंग वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दो बोथ ऑफ दम सेज दैट इवन आरम इज द नरेटर इन दिस चैप्टर ठीक है बात करेंगे नरेटर से इज दैट दैट इज नॉट स्टीलिंग एंटिल वी ओफर एनी थिंग फोर सेल इफ यू हैव पिक्ड सम वन थिंक एंड वी डिनाट ओफर दैट वन फोर सेल इट मीन्स इट्स नॉट स्टीलिंग ठीक है चलिए ऐसा ही मतलब अभी देखो ना उनकी खुद की डेफिनेशन बना ली कि स्टील कर लिया कोई चीज़ चुराई और उसे जब सेल के लिए ऑफर नहीं कर रहे तो वो चोरी नहीं है अगर हमने इंजॉय करने के लिए कोई चीज़ उठाई है और उसे हम फिर रिटर्न कर रहे हैं वापस कर रहे हैं तो उसे स्टीलिंग नहीं कहते बना ली ना अपनी डेफिनेशन इसीलिए बोला है चैप्टर पढ़ेंगे आसान बाद में समझ आएगा आपको देखिए बात करें कैरेक्टर्स की कैरेक्टर्स हैं बेटा यहाँ पे टू मेन कैरेक्टर्स एंड टू माइनर कैरेक्टर्स हम ऐसे तो हैं तो सारे आपके मेन ही हैं चारों को ही समझ लो आरम नरेटर ठीक है जो हमें स्टोरी सुना रहा है ना नरेटर हु टेल्स अ स्टोरी जो स्टोरी सुनाता है आरम नरेटर नाइन ईयर्स ओल्ड ओनली नौ साल का है ठीक है इन दैट स्टोरी एंड ही इज अ टेलिंग पर्टिकुलर टाइम पीरियड एडवेंचर ठीक है जो उनका एडवेंचर था उसको हाईलाइट किया गया है मुराद थर्टीन ईयर्स ओल्ड बॉय कज़न ऑफ आरम ये दोनों क्या हैं कजनस हैं अच्छा अंकल खोसरो एक फनी कैरेक्टर है देर इज़ अ ट्रेडिशन और ट्रेडिशन uh, क्या है मतलब ये लगा लीजिए कि ऐसी सिचुएशन ही हर बार आती है कि उस गैरोग फैमिली जिससे बिलोंग करते हैं ना उसमें एक कोई ना कोई कॉमिक कैरेक्टर होता है हर एक जनरेशन में ठीक है हर एक जनरेशन में तो पहले जो इनसे पहले की जनरेशन थी ना अंकल खोसरो उसमें थोड़े से क्रेजी पर्सन थे यहाँ पे देखो मुराद की बात करें ना तो मुराद भी क्रेजी है और अब जो जनरेशन है जिसकी इसमें बात हो रही है चैप्टर में उसमें मुराद क्रेजी है तो एक थोड़ी सी वो कहें कि एक ऐसी स्ट्रीक क्रेजी स्ट्रीक होती है किसी ना किसी बंदे के अंदर जरूरी नहीं है कि वो उसके बेटे के अंदर ही हो कि हम कहें कि अंकल खोसरो का बेटा है तो वही क्रेजी होगा नहीं उस जनरेशन में कोई भी हो सकता है ठीक है जैसे पहले में अंकल खोस रहे थे अब वाले में कौन है मुराद बट ही इज नॉट हिज फादर ये इसके फादर नहीं है अच्छा जॉन बैरो फार्मर फार्मर हुज हॉर्स स्टॉलन बाय बैरोन जिसका घोड़ा इन लोगों ने चुराया था ना अरम ने और मुराद ने दैट जॉन बैरो वो जॉन बैरो है है ठीक अच्छा ओवरव्यू की बात करते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं स्टोरी का मुराद इनवाइट करता है अरम को किसके लिए राइड करने के लिए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पे आर एम आफ्टर सींग दैट हॉर्स ही वॉज सरप्राइज बिकॉज ही बिलोंग टू पुअर फैमिली सो दे आर नॉट एबल टू बाई द हॉर्स वो घोड़ा तो खरीद नहीं सकते सो दैट्स वाई आफ्टर सींग दॉर्स ही वॉज सरप्राइज एंड दे विल नॉट स्टील इट खरीद सकते नहीं चोरी करेंगे नहीं तो भाई इसलिए सरप्राइज है फ्रॉम वेयर ये अरेंज द हॉर्स क्रेजी स्ट्रीक ऑफ मुराद उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है मुराद के नेचर के रिगार्डिंग कि कितना क्रेजी है उसकी जो क्रेजी स्ट्रीक है देखिए स्ट्रीक नहीं स्ट्रीक एस टी आर ई -E ए के क्रेजी स्ट्रीक ठीक है क्रेजी स्ट्रीक को हाईलाइट किया गया है और फिर अंकल खोसरो की क्रेजी स्ट्रीक को यू you नो know, इनका ना इसकी एक फेमस लाइन है अंकल खोसरो की पे नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट इट्स नो हार्म ऐसे स्टार्टिंग है कोई भी इसको बात बोले ना इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट नीचे स्पेस होगा थोड़ा सा हाँ यहाँ लिखते हो देखो बोल बोलते हैं बार बार इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट पे नो अटेंशन टू इट कोई अटेंशन मत दो इसकी तरफ ये क्रेजी मतलब ये लाइन वो बार बार रिपीट कर दो इवन इंसिडेंट इतना फनी बताया है चैप्टर पढ़ेंगे बड़ा मज़ा आएगा इतना इंसिडेंट ऐसा था घर में आग लगी हुई है ठीक है एंड एट दैट टाइम सम वन ऑल हिम रिगार्डिंग गेव द इन्फॉर्मेशन द पर्सन गिव द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट दैन इज एट दैट इट्स नाउ हार्म पे नो अटेंशन टू इट ठीक है घर की आग लगी और कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता इसे अटेंशन मत दो तो यहाँ पे उसकी स्ट्रीक को हाईलाइट किया गया है फिर अंकल खोसरो की क्रेजिस्ट्रिक और फिर जॉन बैरो का कन्फ्यूजन आफ्टर सींग दैट होर्स आल्सो ही डिडेंट रिकोगनाइज हिम ही रिकोग्नाइज बट ही वॉज कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ दैट ऑनेस्ट एंड ट्रस्ट ऑनेस्ट एंड ट्रस्ट मीन्स ऑनेस्टी एंड दैट ट्रस्ट है मीन्स इज दैट फैमिली बिलोंग टू फेमस फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट इट मीन्स दे कंट स्टिल पर्टिकुलर हॉर्स सो ही वो सरप्राइज वो हैरान हो जाता है कि घोड़ा तो मेरा दिख रहा है लेकिन नहीं मेरा नहीं है क्योंकि ये फैमिली तो कभी चोरी भी नहीं कर सकती झूठ भी नहीं बोल सकती तो उसका कन्फ्यूजन यहाँ हाईलाइट किया गया फिर उनका वो कैसे इंजॉय करते हैं कैसे रिटर्न करते हैं वो डिस्क्रिप्शन है सारा ओके चलिए ये दो तीन बेटा बाई मिस्टेक यहाँ पे गड़बड़ हो गई आप प्लीज़ इसे करेक्ट कर लेना मैंने इसे देखा नहीं क्लियरली ये आपका स्ट्रीक है एस टी आर ई ए के ओके एंड एट द टॉप ऑल्सो देर इज अ डिस्क्रिप्शन आई टोल्ड यू हियर इट्स वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड ओके एंड दिस वन इज राइटर दिस थ्री यू विल एंड विल राइट डाउन इन योर फेयर नोट बुक क्या लिखोगे फेयर में आप फेयर में सारी बातें और लिव द ओवर व्यू ओवर व्यू को छोड़ देना ठीक है लिव दिस वन इसको छोड़ देंगे आप यू विल नॉट राइट डाउन इन फेयर नोट बुक यू राइट डाउन ऑल अदर थिंग्स और सारी बातें आप वहाँ पर लिखेंगे गॉट इट चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन स्टे हैपी एंड स्टे हेल्दी